हेलो गाइस, राष्ट्रीय की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पनीर। ये बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, और इसको कभी भी आप सर्व कर सकते हो, चाहे हो स्नैक्स टाइम या फिर इसको लंच या डिनर में सब्जी की तरह भी सर्व कर सकते हो। तो जल्दी देखते इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए एक बड़ी शिमला है, जिसको मैंने देख सकते हो क्यूब्स में कट कर लिए, और साथ में लिए प्याज जो मैंने बहुत बड़े बड़े साइज में कट है। तो साथ में मैंने ये लहसुन की 7 से 8 कलियां उसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है, और ये मैंने पनीर लिया है 400 ग्राम। अब इसे हमें कट करना है, इसको हमें क्यूब्स काटने बड़े बड़े साइज के। तो सारे पनीर को मैंने काट लिया, आप देख सकते हो जो मैंने साइज दिया, आप इतना भी काट सकते हो, छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है, जिसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच मैदा, और साथ में 2 चम्मच ऐड करिए कॉर्नफ्लोर। जो बाकी का कॉर्नफ्लोर जो बच जाएगा वो आगे उसको यूज़ करेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच। इसमें इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखी नहीं होती, इसलिए इसको इतना डाल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें बनाना है इसका घोल। ध्यान रखें कि इसका जो घोल है बिल्कुल पतला नहीं बनाना, गाढ़ा ही रखना है, ताकि इसकी जो पनीर की कोटिंग करे अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखा था, इसमें मैंने देख रहे हैं कि घोल का एक ड्रॉप डाल दिया, तो ये एकदम ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा तेल है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब घोल में हम डालेंगे पनीर, अच्छे से कोट करेंगे और तेल में डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पनीर जो अच्छे से फ्राई हो चुका है, देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया, और इसे फ्राई करने में 6 मिनट तक लग जाते हैं। और ध्यान रखेंगे जब इसको फ्राई करेंगे इसको हाई हीट पे ही करना है, तो इसमें फ़ायदा हमें ये होता है जो हमारा पनीर अंदर से जूसी रहता है, अगर इसको धीरे फ्लेम पर करेंगे तो अंदर से ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। तो इसको मैंने निकाल लिया एक स्ट्रेनर के अंदर, तो पनीर हमारा इसका बिल्कुल तैयार है। तो करते हैं अगला प्रोसेस। तो यहाँ पर जितना एक्सेस ऑयल था मैंने निकाल दिया, 1 टेबलस्पून छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमने लहसुन की कलियाँ ली थी, इसको मैं 2 मिनट तक पका लेना ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो लहसुन यहाँ से अच्छे से पक गया है, इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, इसे हमें 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है ताकि इनका क्रंच बना रहे। तो यहाँ पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया, इसमें मैंने ऐड कर दिया शिमला, और सारी सब्जियों को हमें हाई हीट पे ही पकाना है। तो शिमला को मैंने कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे पका लिया, इसमें मैं ऐड कर दी हूँ अदरक लहसुन पेस्ट। तो यहाँ पर कढ़ाई को मैं लिड लगा रही हूँ, इसको मैं ढक के पकाना है सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। हमें यहाँ पे सब्जियों को क्रंची ही रखना है, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को खोल लिया, इसमें मैं ऐड करी नमक। नमक बिल्कुल ध्यान से यूज़ करेंगे, पहले हमने घोल में भी डाला था, और इसमें हमें सोया सॉस यूज़ करनी है इसलिए कम ही डालें। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ मसाले हमारे हल्के से पक गए, इसमें मैंने ऐड कर दिए 2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1.5 चम्मच के करीब सिरका, ये वाइट वाला यूज़ किया है मैंने। तो ये जो हमने कॉर्नफ्लोर बचा के रखा था ये 2 चम्मच है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसका हमें घोल बनाना है उसमें डालने के लिए।
ताकि जो हमारी हल्का सो उसमें ग्रेवी टच आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो जो हमने घोल डाला था वो अच्छे से पक गया, इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था और इसे अच्छे से हमें हिला लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच टमाटो सॉस। तो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी यहाँ पर चीनी। चीनी इसमें इसलिए डाली जाती है कि जितने हमने मसाले सॉसेजेस डाले उनका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जितना पहले प्रोसेस किया वो पूरा मैंने हाई हीट पे किया। अब मैंने गैस को कर दिया है स्लो पे और उसको मैंने लिड को लगा दिया कढ़ाई के ऊपर। इसे मैं 30 से 40 सेकंड के लिए ढक के पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को खोल दिया है 30 सेकंड्स के बाद। अब देख सकते हैं हमारी जो पनीर चिली बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। अगर आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग अनियन हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।